वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत में बैठकर मुंह तोड़ जवाब दिया। दहशतगर्दी पूरी दुनिया का मसला है, मिलकर मसले के हल के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगस्त 2019 के बाद शंघाई तआवुन तंजीम के इजलास में शिरकत मुश्किल फैसला था। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने रखा, कश्मीरियों का मुकदमा भी एहसन अंदाज में लड़ा। वज़ीर ख़ारिजा सेनेट और कायमा कमेटी को ब्रीफिंग दे रहे थे। तो कॉन्फ्रेंस जिसमें मैंने पाकिस्तान का स्टेटमेंट, पाकिस्तान का बयानिया सामने रखा, फिर जो हमारा मेज़बान मुल्क था, जो हमारा होस्ट कंट्री था, उनका इरादा था कि इस प्लेटफॉर्म को भी अब्यूज़ करके उनका जो एक बयानिया है वो अनचैलेंज सामने रखते, और जो थ्रस्ट था भारत की मैसेजिंग में दहशतगर्दी के बारे में, और खास तौर पे ये जो इम्प्रेशन वो पेंट करने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान तो दहशतगर्द है, पाकिस्तानी तो दहशतगर्द है, कश्मीरी तो दहशतगर्द है, हम दहशतगर्दों से तो बात नहीं कर सकते। यहाँ तक कि मैंने कहा कि आप अगर जो सारे ममालिक यहाँ मौजूद हैं, इन सब का जो दहशतगर्दी से मुतासिर लोग हैं उनको आप मिला भी दें, पाकिस्तान का जितने पाकिस्तान में जितने दहशतगर्दी की वजह से लोग शहीद हुए हैं, मुतासिर हुए हैं, हमारा जो कैजुअल्टी काउंट है वो इनसे ज़्यादा है, और यही वजह है कि हम असल में चाहते हैं कि हम दहशतगर्दी का हल निकालें। इसलिए नहीं कि वेस्ट हमें बता रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमारा ईस्टर्न नेबर हमें बता रहे हैं, इसलिए कि हमारा मुल्क में और हमारा फ़ायदा में है, और हमारा अपना ऑर्गेनिक इंटरनल मसला है जिसका हम मुकाबला करना चाहते हैं। कश्मीर का मसला था, जहाँ तक पाकिस्तान इंडिया के बायलैटरल इश्यूज हैं, और जहाँ तक हमारा मल्टीलैटरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फ्रॉम द एससीओ टू द एससीओ, कि इन 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 तीनों जो इन दीज थ्री फील्ड्स, इट वाज अ प्रोडक्टिव विजिट, इट वाज अ पॉजिटिव विजिट। हम चाहते हैं कि अपने अफगान भाइयों के इशूज जो हैं हम एक अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से इनको हल करें।